नाउ लाइव हर जुर्म का अगर आते ना तो बहुत आगे होता। आप लोगों ने देखा मंगलम सिटी कालवाडू जयपुर में काफी दिनों से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा था और आज जो वैक्सीनेशन कैंप किया गया इसमें मुख्य रूप से एनिमल गुरुकुल एनिमल फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगाया गया जिसमें लगभग 150 लोगों को वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से लगाया गया और काफ़ी सराहनीय कार्य यहाँ पे देखने को मिलता है। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको ये गुरुकुल एनिमल फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन मंगलम सिटी कालवाडू इनके द्वारा जो है काफ़ी प्रयास करके पक्षियों को या जानवरों को काफ़ी सहूलियत दी गई। जो ट्रीटमेंट है जो भी इनको उपचार है ये जानवरों को कर रहे हैं और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे मंगलम सिटी में गुरु कृपा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन है भाई, इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। लगातार मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा हूँ कि ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ हम करते रहें। हमने देखा है अक्सर हमारे मंगलम सिटी में या आसपास के क्षेत्र में कभी भी गाय वगैरह को कुछ हो जाती है तो भी हमारे डॉक्टर अनिल जी जो है वो जाके उसका वो करते हैं। और जो इस फाउंड गुरु कृपा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन की जो MD है सौरभी अग्रवाल जी भाई, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का नेक कार्य किया और जगह जगह मैंने देखा है कि खुद से आगे से रह के चाहे वो पशु हो या पक्षी हो हर किसी के लिए मतलब उनके दिल में अगाध प्रेम देखा हमने और वो इसके लिए कार्य कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले आपको लाइव न्यूज़ नाउ चैनल पर बात करते बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह। जैसा कि मेरा नाम जो है डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और ये जो एनिमल गुरु कृपा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन जो है इसकी जो है डायरेक्टर सौरभी अग्रवाल हैं, उन्होंने संस्था का गठन किया और एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, क्योंकि आज एनिमल्स को एक तो क्या है भरपेट खाना नहीं मिलता है ना। अब एनिमल्स जो है किसी को बोल नहीं सकता भूखा है क्या खाना है क्या नहीं करना है, और दूसरी बात है कि खाने के अलावा उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं है सर्दी में भी जो है एनिमल्स बाहर ही रहते हैं, गर्मी में भी जो है धूप में रहना पड़ता है, तो उनको जो है जगह की मतलब जो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो हमने देखा है कि आजकल आदमी जो है उनके साथ बहुत क्राइम करता है बेवजह मारता है और जो है चीट करते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सौरभी जी ने जो संस्था गठन किया उसका मूल उद्देश्य यही है कि एनिमल्स का जो है वेलफेयर हो, उनको जो फूड मिले शेल्टर मिले और उनका जो है प्रोटेक्शन हो, उनके साथ में कोई भी क्राइम ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि ये संस्था जो है भविष्य में बहुत नाम करेगी और जो है एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। इसका संस्था का स्थापना जो है सौरभी जी ने अक्टूबर मंथ के लास्ट में किया, मतलब नवंबर से ये स्टार्ट हुआ है और नवंबर से लेकर के अभी जो है फरवरी ख़त्म होने को जा रहा है, तो इसमें काफ़ी जो है काम किया गया है और जगह जगह जो है गौशालाओं में जा कर के एनिमल्स की केयर करना, उनका ट्रीटमेंट करना, उनके लिए जो है चारा उपलब्ध करवाना, इस तरह के काम जो है अभी तक पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने किए हैं।